जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूबरू मैं देखूं जहां। जो 80s का एरा था उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, 80s और 90s रॉक म्यूजिक उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और मुझे बहुत लगा कि यार ये मेरी तरह की पर्सनालिटी है, थोड़ी सी रिबेलियस, क्वाइट एंड यू नो थोड़ा सा एग्रेसिव म्यूज़िक है और बड़ा मीनिंगफुल कंटेंट है। उज़ैर ऑन द अदर हैंड आई गेस इज इंस्पायर्ड बाय लॉट। मैं तो हमेशा से आई वाज ऑलवेज अ स्वीट हार्ट, मुझे हमेशा नहीं मैंने भी रॉक, अच्छा शुरू मैंने भी रॉक म्यूजिक से किया था, आई हैड अ रॉक बैंड इन इस्लामाबाद, बट मैंने कभी म्यूजिक नहीं छोड़ा, और जब मैंने अकेले म्यूजिक करना शुरू किया तो बस वो नेचुरली आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट केम आउट। किसे था पता किसे थी खबर इन राहों पे मिल जाएंगे दो अजनबी, बातों ही बातों में इन खाली रातों में तुम लेकर आई हो एक नई सुबह। क्या आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक सिर्फ एक हुनर काफी नहीं? मैं बहुत सारे एक्टर्स को भी जानता हूँ जो डे जॉब्स करते हैं, मैं बहुत सारे म्यूजिशियंस को भी जानता हूँ जो डे जॉब करते हैं, मेरी नज़र में बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है एक क्रिएटिव काम करना और फिर एक ऐसा काम करना जिसमें शायद आपका दिल नहीं लगता जो आपने करना है टू मेक एंड्स मीट। इस मुल्क में हर जगह ही ऐसे है कि टैलेंट के साथ साथ थोड़ी किस्मत भी आपकी चल जाए ना। किस्मत में स्पॉन्सरशिप शुमार होता है? ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स अ प्लस देन आई गेस। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये कि रॉयल्टी कलेक्शन नहीं है हमारे मुल्क में, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, हमने बहुत सारे आर्ट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्सेस बनाए और हमने कहा कि ये लाइव म्यूज़िक के लिए हैं और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों के लिए हैं, लेकिन फिर हमने उनको डिस्करेज करने के लिए क्या कर दिया कि हमने एक एंटरटेनमेंट टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया उनके ऊपर कि अगर आप एक कॉन्सर्ट करवाते हैं या कुछ शो करवाते हैं उस पर टैक्स इतना ज़्यादा है कि कोई भी उसमें से वापस पैसे नहीं बना सकता। उज़ैर आपने बॉलीवुड में भी काम किया, आपका गाना तेरे बिन काफ़ी मकबूल रहा, आपके ख्याल में क्या जो सारे पाकिस्तानी अदाकार हैं वो आखिर में बॉलीवुड में ही काम करना चाहते हैं? अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिसएग्री, लेकिन फॉर एवरीवन लोग कहते हैं यही है कि यार वो एक अगला स्टेप है, इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। फॉर मी आई डोंट थिंक बॉलीवुड, आई थिंक जस्ट कोलैबोरेटिव वर्क विद एनीवन, ईरान हो हॉलीवुड हो। क्या आप हमारे सामईन के लिए आज मिलके एक गाना गा सकते हैं? ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।